यूथ कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को दिलाया याद। आशा कार्यकर्ताओं से जुलाई में वादा किया था कि उनके मानदेय में 4,000 बढ़ाकर 6,000 दिए जाएंगे, लेकिन वादा पूरा हुआ तो सिर्फ 2 महीने के लिए। सितंबर से फिर पुराना मानदेय मिलने लगा और प्रोत्साहन राशि में भी कटौती की जा रही है। विक्रांत भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। किस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करी वो साफ जाहिर होता है, क्योंकि जुलाई में आशा कार्यकर्ताओं से वादा करा गया था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, पर हकीकत में मानदेय बढ़ाया नहीं गई। 2 महीने के लिए सिर्फ 4,000 बढ़ाया और वापस से 2,000 कर दिया गया। उल्टा प्रोत्साहन राशि भी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो आशा कार्यकर्ता, जब अगर किसी महिला का प्रसव हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, वैक्सीनेशन हो या टीकाकरण हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है, पोषण आहार देना हो तो आशा कार्यकर्ता याद आती है। जब उनके अधिकार की बात आती है तो सरकार उनके अधिकार को क्यों भूल जाती है? सरकार को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए और जो हक आशा कार्यकर्ताओं को उसको जल्द से जल्द देना चाहिए।